हरियाणा में नायब सैनी सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद पलवल पहुंचे गौरव गौतम का जोरदार स्वागत किया गया। गौरव गौतम के स्वागत में कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा हुडा सेक्टर 2 से लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह तक रोड शो निकाला गया। इस दौरान मंत्री गौतम का फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर गौरव गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाएगा और पलवल में भी विकास के कार्यों को और गति दी जाएगी। आज मंत्री पद का पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने इलाके की पावन धरा पर पलवल की पवित्र भूमि पर आना हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह के साथ मिलना हुआ, पूरी ऊर्जा पूरी सकारात्मक भावना से सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार हुआ है। मैं आप प्रेस के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आने वाले समय में एक सकारात्मक भावना के साथ, एक अच्छे भाव के साथ इस इलाके की तरक्की और विकास के लिए हम संकल्पवान हैं और किस प्रकार से हम इस इलाके को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सबको साथ लेकर सबके सुझाव के साथ हमारा ये संकल्प और प्रयास है कि आने वाले 5 साल बाद देश और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर पलवल अलग दिखाई दे। क्योंकि आज के समय में देश में सबसे बड़ी कनेक्टिविटी अगर कहीं है तो वो पलवल क्षेत्र में है। KMP हो, KGP हो, बॉम्बे एक्सप्रेस हो, वे हो एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, रेल कॉरिडोर बनने की तैयारी हो, बहुत सारे आयाम पलवल क्षेत्र में आने वाले हैं। उनके माध्यम से किसी भी जगह की या किसी भी देश या किसी भी जिले या किसी भी प्रदेश की अगर तरक्की का राह खुलती है तो उसकी कनेक्टिविटी के आधार पर खुलती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी वेल कनेक्टिविटी हमारे पलवल में है। हम उनकी तरक्की के लिए, विकास के लिए पलवल को एक साफ सुंदर स्वच्छ और भव्य बनाने के लिए संकल्पवान है। उसके लिए हम पूजनीय जनता का साथ लेकर, सबको साथ लेकर चलेंगे और अच्छा काम करेंगे। वहीं इस दौरान राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ लेते ही युवाओं को सौगात देते हुए पहली कलम से 24,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी, जिसको लेकर युवाओं में जोश और उत्साह बना हुआ है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।